गंगा नदी में प्रतिमा विसर्जन की अनुमति नहीं, बनाए जाएंगे अस्थायी तालाब। बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद ने नदियों में प्रतिमा विसर्जन पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों को निर्देश जारी कर दिया गया है। निर्देश में गंगा, गंडक, बागमती, सोन, पुनपुन एवं कोसी नदी का खास तौर पर जिक्र किया गया है। जिला प्रशासन के निर्देश के बाद प्रतिमा विसर्जन को लेकर मुकामा प्रशासन भी पूरी तरह सक्रिय दिख रहा है। आज मुकामा में कार्यपालक पदाधिकारी मुकेश कुमार ने थाना अध्यक्ष राजनंदन एवं मंचलाधिकारी ज्ञानानंद के साथ गंगा घाटों का निरीक्षण किया। साथ ही साथ उन्होंने दुर्गा पूजा समितियों को भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए। नगर परिषद में 3 जगह तपस्वी घाट, सूर्य मंदिर घाट और मुकामा घाट को अस्थायी तालाब बनाने के लिए चिन्हित किया गया है। मुकामा घाट में गंगा घाट के किनारे ही JCB की मदद से तालाब का निर्माण कर गंगा का पानी लाया जा रहा है, ताकि प्रदूषण से बचाव के साथ साथ लोग सुरक्षित भी रहें। मौके पर रेलवे दुर्गा पूजा समिति के सदस्यों ने भी विसर्जन को लेकर आने वाली समस्याओं से उन्हें अवगत करवाया। मूर्ति विसर्जन को लेकर क्या नियम आए हैं? बिल्कुल, मूर्ति विसर्जन जो है, क्योंकि गंगा नदी में प्रशासन के द्वारा, जो जिला प्रशासन के द्वारा या सरकार के द्वारा जो गाइडलाइन जारी किया गया है, उसके आलोक में है कि गंगा नदी में नहीं करना है, तो उसके आसपास का जो अस्थाई बना कर करके उसमें जो है, हम लोग अभी जैसे जो चिन्हित किए हैं तालाब वगैरह है या उस टाइप का, तो वैसे में ही हम लोग अभी करवाएंगे। नगर परिषद के अंतर्गत सर कितने मतलब मूर्ति को विसर्जित के लिए व्यवस्था? अभी 3 जगह का हो रहा है। तपस्वी घाट के पास है एक, अभी आप मोकामा घाट के पास देख रहे हैं, और एक सूर्य मंदिर घाट के पास। तो सभी जगह का ये चिन्हित स्थानों पर ही विसर्जित किया जाएगा? ये सभी दुर्गा समिति जो भी अध्यक्ष हैं और सारे मोकामा वासियों को भी इसके संदर्भ में सूचित की जा रही है, ताकि वे लोग इसमें भी अपना सहयोग करते हुए विधिवत तरीके से इस विसर्जन कराएं। साथ ही साथ पूरे दुर्गा पूजा का जो भी है भव्य तरीके से पूजन करें और इसका आनंद उठाएं। ठीक है।